हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स किचन में। आज मैं दिखाने जा रही हूँ चार सिंपल ओट्स के रेसिपीज़ जो आप शिशुओं को दे सकते हैं। उससे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोग सोचते हैं कि ओट्स एक वेट लॉस फूड है और झिझकते हैं बच्चों को कैसे दिया जाए वगैरह सोचते रहते हैं, तो ऐसे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ओट्स बहुत ही न्यूट्रिशियस सीरियल है, उसे डाइट में इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसे सुबह एक बार खा लिया जाए तो फाइबर बहुत ज़्यादा है और बहुत देर तक फिल रखता है आपको, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग डाइट में जो है उसे खाते हैं। बच्चों के लिए इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये इजीली डाइजेस्टिबल है और इसमें फाइबर ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन जैसे बहुत अच्छे गुण हैं और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा है जो बच्चे को ज़्यादा देर तक एनर्जाइज्ड और फिल्ड रखता है। तो क्विकली चलिए देखते हैं ये चार ओट्स के रेसिपीज़ जो बहुत आसानी से हम अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं पम्पकिन ओट्स पॉरेज। कद्दू को यूज़ करके मैंने इस पॉरेज को बनाया है। इसे आप 6 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। पहले शुरुआती दिनों में फ्रूट्स और वेजिटेबल प्यूरी देने के बाद इसे देना बेहतर रहेगा। सबसे पहले एक पैन में मैंने ओट्स डाला है और कद्दूकस किया हुआ पम्पकिन या कद्दू, आप चाहे तो इसका प्यूरी बना के भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इट्स ओके। टेक्सचर देना, ये दानेदार रहेगा तो भी बच्चे खा सकते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। आपने अगर अभी तक दूध इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपने बच्चे को, जो कुकिंग में यूज़ किया जा सकता है, आप इसे पानी के साथ बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे हम इसे। याद रखिएगा हमारे चैनल में मैं ये बेबी किड फ्रेंडली रेसिपीज दिखाती हूँ, थोड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ता है कभी कभार क्योंकि हर फैमिली के हर मेंबर जैसे खा सकते हैं वो ऑप्शन भी बताती रहती हूँ मैं। तो सबके लिए दूध में इसे पकाया जा सकता है, इवन बच्चों के लिए अगर आपने ऐड नहीं किया है अभी तक तो आप चूज़ कीजिएगा कि दूध में पकाना है या पानी में। और जैसे मैंने बताया इसे हम 8 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। नट्स पाउडर जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ करके मैंने बनाया है और ये जैगरी पाउडर या गुड़का पाउडर है जो हमारे स्टोर में मिल जाएगा आपको, तो इसे भी ऐड किया है मैंने। और ये भी आप एज के हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिएगा, छोटे बच्चे को बड़े बच्चे को जैसे दे रहे हैं वैसे देख के। अभी मैंने यहाँ पर दालचीनी का पाउडर डाला है, सबको इकट्ठे डाल के अभी हम पकाएंगे बंद करके ढक्कन थोड़े देर। तीन से चार मिनट तक ढक्कन बंद करके इसे पकाइएगा। पकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा दानेदार ही रहता है। आपको फिर भी टेंशन है तो ब्लेंडर यूज़ करके ब्लेंड करके बच्चे को दे सकते हैं, पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना तो बच्चा खा ही सकता है और गले में अटकने की भी कोई टेंशन नहीं है। चाहे तो आप इसे पानी में पका के ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ऐड करके दे सकते हैं बच्चे को। तो तैयार है हमारा कद्दू और ओट्स का दलिया। चलिए अगली रेसिपी में चलते हैं। इंस्टेंट ओट्स और दलिया का मिक्स है ये। ये एक इंस्टेंट पॉरेज मिक्स है जो आप बना के बोतल में कैरी कर सकते हैं, कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे के लिए कैरी करके गर्म पानी के साथ मिक्स करके इसे झटपट दे सकते हैं। तो एक पैन में मैंने ओट्स डाला है, इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा 2 मिनट तक। कुछ नहीं डालना है पानी वगैरह क्योंकि ये पाउडर है जो हम बना रहे हैं इसका। 2 से 4 मिनट तक काफ़ी होता है अगर आप इंस्टेंट ओट्स ले रहे हैं, दूसरे ओट्स इंस्टेंट सर्व नहीं हो पाएगा, उसे पकाने की ज़रूरत रहेगी। दूसरे वेराइटीज़ ऑफ ओट्स जो मिलते हैं उनके बारे में हमारे ब्लॉग में हिंदी में लिखा है मैंने, वहाँ पे चेक कीजिएगा। अभी मैंने दलिया डाला है, ब्रोकन व्हीट जिसे कहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा घी ऐड करके अभी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी इसे। बहुत आसानी से बन जाता है ये।
और बेस्ट ट्रैवल फूड कह सकते हैं इसे। इसे भी थोड़ा रोस्ट होने के बाद उसी प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठंडा होने के बाद एक ब्लेंडर जार में इसके साथ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर या फिर जीरा का पाउडर डाल सकते हैं आप, या फिर दोनों डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर डाला है। अच्छी तरह से अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो रोस्ट करते समय भी थोड़ा सा दालचीनी का पीस और छोटा सा एक इलायची भी डाल के पाउडर करते समय यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, इसे एक फाइन पाउडर बनाना है क्योंकि ये इंस्टेंट मिक्स है, तो दानेदार मत छोड़िएगा। और जैसे मैंने पहले बताया, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक आप इसे अच्छी तरह से एयरटाइट बर्तन में रखेंगे तो रहेगा ये। और अभी इसे बनाने का तरीका, अभी आप अगर कहीं बाहर हैं और क्विकली कुछ बनाना है तो कैरी करके एक बर्तन में 1 से 2 चम्मच इसका पाउडर डाल दीजिएगा और एक फ्लास्क रखिएगा जिसमें गर्म पानी रहेगा आपके पास। ये मैंने घी डाला है यहाँ पे, और बहुत ही गर्म पानी चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि फ्लास्क में सुबह पानी भर दिया और शाम को यूज़ करें, क्योंकि ये होममेड सीरियल मिक्सेस हैं, पैकेज फूड नहीं है जो बहुत सारे प्रोसेसिंग में जाता है। तो इसे हमें बहुत गर्म पानी से मिक्स करके ढक्कन बंद करके थोड़ी देर छोड़ना है सेटल होने तक। 1-2 मिनट जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और बच्चे के लिए सर्व करना भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तब तक इसे छोड़ दीजिएगा। तो टेक्सचर देखिए आप, बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गया है ये, और हमारा इंस्टेंट ओट्स और दलिया का पॉरेज मिक्स तैयार हो गया है। अगला रेसिपी है कैरेट ओट्स का दलिया, जिसे मैंने सेवरी का टेस्ट दिया है, मतलब स्पाइसेस ऐड किए हैं यहाँ पे। तो एक बर्तन में मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। इसे फैमिली में हर कोई खा सकता है, कभी इवनिंग स्नैक कुछ नहीं बना पाए या सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी इसे बना सकते हैं। हींग मैंने डाला है थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे, बहुत ही लाजवाब लगता है उसे ऐड करने से मुझे तो एटलीस्ट। और मैंने अभी हल्दी का पाउडर और पेपर पाउडर डाला है यहाँ पे, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद ओट्स डाल के इस मिक्सचर में हम पकाएंगे इसे। ढक्कन बंद करके 4 से 5 मिनट तक इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ा पानीदार लग रहा है आपको, पर ठंडा होने के बाद ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहेगी, जैसे आप बच्चे को सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा सेवरी कैरेट ओट्स। तो अगले रेसिपी में चलते हैं हम, जो आखिरी रेसिपी है आज का, कर्ड ओट्स खिचड़ी। दही को यूज़ करके मैंने इस खिचड़ी को बनाया है, बहुत ही लाजवाब रहता है। इसे भी ब्रेकफास्ट में या कोई भी डाइट पे है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह इसे बना के खाने से बहुत देर तक आपको फील रखता है। इसमें घी के साथ मैंने थोड़ा सरसों डाला है, और बाद में जीरा डालूँगी यहाँ पे, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, कैरेट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेना है। मैं ओट्स डाल रही हूँ, इसे भी मिक्स करके रख लीजिएगा। और चलिए हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के पका लेते हैं। सारे सामग्री के मेजरमेंट जो भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, उसका डिटेल लिंक हमारे ब्लॉग में हिंदी में दिया जाएगा, चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक।
ठंडा होने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे दही और अच्छी तरह से मिक्स करके सर्व करना है। बस तैयार है हमारा दही और ओट्स की खिचड़ी। आप चाहे तो इसमें कैश्यू नट्स भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा कैरेट और थोड़ा धनिया पत्ता डाल के भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, छोटे बड़े बच्चों को भी। और ये सारे चार रेसिपी बहुत सिंपल है, आसानी से घर में बना सकते हैं। आपको अगर ये पसंद आए तो लाइक करके हमें बताइएगा, और सजेशन या रिकमेंडेशन है हमारे लिए तो कमेंट करके उसे भी बताना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अच्छे अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।